हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे A1 लेवल की वीडियो, यानी कि अगर सपोज आप A1 स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मैं सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी कि अगर सपोज कोई बंदा A1 करना चाहता है तो वो वीडियोस अगर सीक्वेंस वाइज देखेगा तो माइट बी वो क्लियर कर जाए वाई वॉचिंग दीज वीडियोज। सो आई ट्राई कि मैं वीडियोज एक वेंसडे को और एक संडे को डालूँ। मैं कोशिश करूंगी कि कब तक ये हो पाएगा, तो 2 वीडियोज इन अ वीक आई ट्राई। सो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे, आज टॉपिक करेंगे अल्फ़ाबेट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप लोग जर्मन सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज जब भी हम सीखते हैं, कभी भी रूल नंबर 1, कभी भी हमें लैंग्वेज को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना पैटर्न होता है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस पैटर्न को हम सीखेंगे। हम ये नहीं कर सकते बिल्कुल ही हम इंग्लिश से ले लें या बिल्कुल ही हम हिंदी से ले लें, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना तरीका है, अपना पैटर्न है, अपनी ग्रामर है। सो हमें कंपेयर नहीं करना। हाँ, जैसे कि हम लोग 2 लैंग्वेजेस जानते हैं तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ से उठा सकते हैं, कुछ हिंदी से उठा सकते हैं, तो इस तरह से उठा सकते हैं। लेकिन हम वर्ड टू वर्ड कभी भी हमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रामर अलग है, जर्मन की ग्रामर अलग है, जर्मन का पैटर्न अलग है। सो हमें कभी कंपेयर नहीं करना। सो अब जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखेंगे, एक तो सबसे पहली बात, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। उसकी ग्रामर हम सीखेंगे, देन वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे कि हमने इतना, मतलब जितनी नंबर ऑफ वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जर्मन स्ट्रक्चर आपको, ग्रामर स्ट्रक्चर आपको पता होगा, देन आप सेंटेंस बिल्ड कर पाएंगे। और जैसे ही आप सेंटेंस बिल्ड कर पाएंगे, देन ये आप अच्छा बोल पाएंगे, यानी कि वोकैबुलरी को भी साइमल्टेनियसली हमें स्ट्रांग करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। ये वीडियो हालांकि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, बट मैं दोबारा बना रही हूँ कि अगर उसमें कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप ये इस वीडियो में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे अल्फ़ाबेट्स। जर्मन के अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉवल्स की बात करेंगे इसकी। अच्छा, जर्मन और इंग्लिश में क्या सिमिलैरिटीज़ है, ये दोनों दिखती बिल्कुल एक जैसी हैं, तो क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट भी रोमन है और इसकी स्क्रिप्ट भी रोमन है, तो ये दोनों दिखती एक जैसी हैं, एंड इसलिए इसके वॉवल्स भी वही होंगे जो इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं। तो इंग्लिश में वॉवल क्या होते हैं हमारे, इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं हमारे ए, आई, ओ, यू, ई, राइट, ये इंग्लिश के वॉवल्स हैं। बट खास बात ये है जर्मन में कि ये साउंड हिंदी की तरह करते हैं। लाइक हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं, हिंदी में हमारे स्वर क्या होते हैं, आ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, तो ये वैसे ही साउंड करेंगे, यानी कि ये लिखी बिल्कुल इंग्लिश जैसी जाती है और साउंड ये संस्कृत जैसी की जाती है, हिंदी जैसी साउंड की जाती है। यानी कि इसका जो प्रोनंसिएशन है वो है आ, मतलब साउंड हिंदी की तरह कर रही है, लिखी इंग्लिश की तरह जा रही है। ये है ई, ये है ओ, दिस वन इज ऊ एंड दिस वन इज ए। तो ये क्या है हमारा आ, ई, आ, ई, ओ, ऊ एंड ए। तो ये हमारे हमारे जर्मन के वॉवल्स हैं, यानी कि लिखे बिल्कुल इंग्लिश की तरह जाते हैं, साउंड बिल्कुल हिंदी की तरह की जाते हैं, आ, ई, ओ, ऊ, ए। कहने का मतलब ये हमारी मात्राएं हो गई, जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती हैं, वैसे ही जर्मन की मात्रा हो गई। ओके, अब हम अल्फ़ाबेट्स पे आते हैं। जैसे कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही जर्मन के अल्फ़ाबेट्स हैं, सेम वही हैं। तो मैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिख देती हूँ, फिर उनका प्रोनंसिएशन बताती हूँ। तो सबसे पहले आ, बे, से, डे, ए, पहले मैं लिख देती हूँ, देन इनका प्रोनंसिएशन बताऊंगी। ओके, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये है हमारा आ, दिस वन इज बे, दिस वन इज से, दिस वन इज डे एंड दिस वन इज ए। तो ये क्या है, आ, आ, बे, से, डे एंड ए। अच्छा, जो मैं इंग्लिश में लिखूंगी वो इंग्लिश की तरह साउंड करता है। तो ये है हमारा एफ, ये है हमारा गे, ये है हमारा हा, ये है हमारा ई एंड ये है हमारा यॉट। इस लेटर का नाम यॉट है, लेकिन ये साउंड य की निकालता है, ये साउंड य की निकालता है और इस लेटर का नाम यॉट है।
तो क्या है ये F, ये इंग्लिश की तरह बोला जाता है, ये है ये हा ई एंड यॉट। ये यॉट इस लेटर का नाम है और साउंड ये य की निकालता है, यानी कि जब भी हम इसकी साउंड निकालेंगे या इसके साथ वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो हम इसे य साउंड करेंगे। देन ये हमारा का, दिस वन इज एल, जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है एम, एन ओ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा का, एल एम एन ओ। सो अगर मैं दोबारा पूछूं तो क्या होगा, ये आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ। अब हम नीचे आते हैं, पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। ओके, तो ये हमारा है पे, दिस वन इज कू, दिस वन इज एर, दिस वन इज एस, दिस वन इज ए। तो ये क्या हमारा पे कू ए कू एर एस टे, ये हमारा टे है। नाउ ये हमारा ऊ, ये हम ऑलरेडी वॉवल्स में कर चुके हैं ऊ, एंड ये है फाउ, ये फाउ है, ये साउंड निकलती है इसमें फ की। अच्छा अगर मैं हिंदी में पूछूं, हिंदी में फ्रूट्स को क्या कहते हैं, फ्रूट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलोगे फल, कुछ लोग अगर मैं फ्लावर्स को पूछूंगी तो कुछ लोग बोलेंगे फूल, लेकिन ये प्रोनंसिएशन गलत है। हिंदी में एक्चुअली क्या होता है, अगर हम दो इनकी बात करें, एक है नुक्ता वाला, नुक्ता होता है डॉट, अगर फ के नीचे आपको नुक्ता मिले तो ये आपका फ साउंड करता है और ये वाला फ साउंड करता है। तो जो हिंदी में बोला जाता है वो ये बोला जाता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फल फूल, एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन ये है, बट हम हिंदी में भी गलत बोलते हैं, हम बोलते हैं फल फूल, वो रॉन्ग प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन इसका होना चाहिए फल और फूल। और जो यहाँ बोलना है वो हमें नुक्ता वाला बोलना है, जैसे हम मैं उर्दू का शब्द बताऊँ तो फलक, उर्दू में नुक्ता होता है, हिंदी में नुक्ता नहीं होता। तो हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें होता है फल फूल, लेकिन अगर उर्दू की बात करें तो वहाँ होता है फलक, तो वो फा होता है। तो यहाँ पर जो हमें बोलना है वो नुक्ता वाला बोलना है, तो इस लेटर का नाम है फाओ और ये साउंड करता है फ की। देन है हमारा वे, देन है हमारा एक्स, देन है इप्सिलोन, एंड देन है सेट। तो क्या समझ में आया, ऊ फाओ वे एक्स एप्सिलॉन एंड सेट। तो ये टी ना हल्का सा साइलेंट है, ये एक्चुअली क्या है, ये इस तरह से हल्का सा त आता है, इस तरह से सेट, त हल्का सा आता है, वो पता भी नहीं चलता हमें, सेट। तो इस तरह से ऊ फाओ वे एक्स एप्सिलॉन सेट। तो हमने क्या अल्फाबेट सीखे, हमने सीखे आ, हमने सीखा आ, वन मिनट, आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस ए ऊ फाओ वे एक्स एप्सिलॉन सेट। तो ये हमारे जर्मन के अल्फाबेट्स हो गए। इसके अलावा इसमें चार नए अल्फाबेट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर ना दो डॉट आते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं हम उमलाउट। क्या बोलते हैं, उमलाउट। तो अगर एक ये उमलाउट होता है, एक तो ए के ऊपर उमलाउट, एक होता है ओ के ऊपर उमलाउट, और एक होता है यू के ऊपर उमलाउट। तो ए के ऊपर अगर उमलाउट होता है, देखो हमने जब ये पढ़ा था तो ये था हमारा आ, विदाउट उमलाउट होता है आ, लेकिन विद उमलाउट हो जाता है ये ए। ओ
ये ओ होता है और विद उमलाउट हो जाता है ये, इसमें हल्का सा य मिक्स हो जाता है तो ये हो जाता है यो, लाइक यो यो हनी सिंह, यो वाला हल्का सा य आ जाता है। एंड देन आता है, अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोला जाता, यो कुछ इसको यू यू बोलते हैं, मतलब या मिक्स हो जाता है। ये है हमारा ऊ, इसको बोल देते हैं, इसमें या मिक्स हो गया तो क्या हो गया ये यू, लाइक दिस। तो क्या प्रोनंसिएशन है इसकी, इसकी प्रोनंसिएशन है ए, इसकी है यो, इसकी है यू, और अगर विदाउट उमलाउट बात करूँ तो आ ओ ऊ, राइट। इसके अलावा इसके अंदर एक नया लेटर है, वो है ये बीटा की तरह है, मतलब बी है उसमें एक डंडा आ गया। ये बेसिकली इसका मतलब होता है जहाँ हमें डबल एस की ज़रूरत पड़ती है, और इस लेटर को हम बोलते हैं एस सेट। क्या बोलते हैं? एस सेट, एस सेट बोलते हैं हम इसको, कुछ लोग साई सेट भी बोलते हैं और इसको एस सेट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, जहाँ हमें डबल एस की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये यूज़ करते हैं। तो ये चार न्यू लेटर्स हैं। तो टोटल कितने लेटर्स हुए इसमें जर्मन में? 30 लेटर्स हुए, 26 वैसे ही है जैसे इंग्लिश में होते हैं, एंड इसके अलावा इसमें चार नए लेटर्स हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये जर्मन अल्फ़ाबेट्स हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा एंड वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करते हैं कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो एवरी वेंसडे एंड संडे डालूँ, एंड ये A1 का पैटर्न इस तरह से चलेगा। थैंक यू वेरी मच।